केवल इमरान आए हैं क्या सीआईडी के साथ? नहीं, इनविजिबल और विजिबल दोनों प्रेजेंटेशन दोनों सीआईडी पे दिखेगी, क्योंकि वीएफएक्स में हमने इसमें भी शायद हम कुछ वीएफएक्स दिखाएंगे, लेकिन फिल्म में भी आता जाता रहता हूँ मैं. सो इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि एक इंटीग्रेशन है. सीआईडी एक बहुत ही पॉपुलर शो है और उसमें मिस्टर एक्स आए हैं एज अ कैरेक्टर इस केस को सॉल्व करने के लिए. और सस्पेंस हैं, थ्रिल्स हैं. केस के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा क्योंकि आपको एपिसोड देखना पड़ेगा. इमरान, अगर आपको एक दिन के लिए इनविजिबल कर दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे उसे? फिर मैंने एक्चुअली इसका कोट मैं दे चुका हूँ और लोगों को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है. आई वुड हैव रॉब्ड अ बैंक. मैं बैंक को लूटता, शायद थोड़ी आसानी हो जाती. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से लड़ता मैं, जिस तरह फिल्म में मैं कर रहा हूँ वो एक राइट चीज़ होती. बुरी चीज़ ही होती बैंक लूटना. फिल्म की बात करें तो फिल्म किस तरीके की है, क्योंकि सिर्फ अभी तक यही खुला है कि आप इनविजिबल हैं, उसके अलावा थोड़ा अगर आप कुछ. इनविजिबल कैरेक्टर है, एक एटीएस ऑफिसर है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए काम करता है. वो एक रिफाइनरी में जल जाता है और रेडिएशन और केमिकल्स की वजह से वो उसके सेल्स जो हैं रोशनी को रिफ्लेक्ट करना बंद कर देते हैं और वो गायब हो जाता है. और वो उन लोगों से बदला लेता है जिन लोगों ने इसके साथ ये सलूक किया है. और इसमें एक लव स्टोरी भी है, लड़की उसकी कुलीग है और फिर उसके बाद दोनों तरह से एनिमीज बन जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज़ बदल जाती हैं. एंड फन, बहुत मज़ेदार सीन्स हैं इनविजिबल मैन के साथ. जिस तरह मिस्टर इंडिया आई थी, उस किस्म का जो कॉमेडी भी है कुछ सीन्स में और एक्शन भी है, सब सारी चीज़ें. तो सीआईडी की टीम के साथ कितना एंजॉय किया है आपने अभी तक? एंजॉय किया है. कल हमारा एक एक्शन सीक्वेंस था और इसमें भी अभी इंटरोगेशन रूम में भी सीक्वेंस है. सो इट वाज गुड फन. मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, ये तीसरी बार आ रहा हूँ मैं सीआईडी पर, तो इट्स ऑलवेज गुड टू कम हियर. थैंक यू सो मच. प्रमोट करने के लिए टीवी का सहारा लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वेल, एज मेनी एवेन्यूज, जितने भी हमारे जो प्लानिंग होती है आजकल, मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है. एक महीना का वक्त दिया जाता है और फिल्म को आपको कहीं ऑडियंस तक लेके जाना पड़ता है और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, फ़ोन्स आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, दूसरी फिल्में भी आ गई हैं, तो उसमें यू नीड टू बी हर्ड. और बहुत ज़रूरी है कि हम जो टॉप टीवी शोज़ हैं उसमें से ऑब्वियसली सीआईडी अब हर्ड की 18 साल तक चलता आ रहा है और उनका एक कल्ट फॉलोइंग है, तो हमारा शो जब आता है इस पे तो हमें भी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, क्योंकि जो आईबॉल्स हैं लोग देखते हैं शो को और फिर मिस्टर एक्स को देखेंगे एंड देन दे विल गो एंड परचेज टिकट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.